सब्सक्राइब कीजिए बजीज फंड चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वकार अली और मैं आपको वेलकम करता हूं बजीज प्लांट में और साथ में उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बजीज का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एग फूड के बारे में होगा। एग फूड में जो क्या होता है और ये हमें क्यों देना चाहिए, सो इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। सो ये रहा बॉयल एग और ये ब्रेड, ठीक है। सो एग में क्या होता है, फर्स्ट कैल्शियम होता है इसमें, कैल्शियम जो इनकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है और इनके जो अंडों के जो है तादाद भी इनको बढ़ाता है और जिस फीमेल के अंडे जो है कच्चे होते हैं या वो खुद ही खा जाती है अपने अंडे, तो अगर आप उनको एग फूड यूज़ करवाएंगे तो वो ऐसा नहीं करेगी, उसके अंडों का शेल भी जो है मजबूत बन जाएगा और वो अंडे जो देंगी वो भी ज़्यादा देंगी और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन इनकी हेल्थ के लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। सो ये और तीसरी ये कि ये बॉयल एग है, जो है सर्दियां भी स्टार्ट हैं और बॉयल एग इनको सर्दी से भी बचाएगा। सो ये तीनों चीज़ें इसमें बॉयल एग में मौजूद है। तो आपने ये कैसे यूज़ करवाना है, आपने इस जो है एग का जो छिलका है ऊपर वाला वो उतार देना है, उतार के आपके पास जितने बजीज हैं उस हिसाब से जो है ये एग देना है। ऐसा नहीं कि आपके पास एग क्लियर है तो उसको पूरा ही एग देंगे, नहीं, आपके जो है पास जितने बची हैं उस हिसाब से जो है अपने बजीज को ये देना है। मेरे पास जो है अभी ये 12 होंगे, शायद 10-12 होंगे, तो इस हिसाब से मैं इनको जो है आधा दूंगा, ये बॉयल एग आधा देके और जो है इसमें ब्रेड भी जो है हाफ ब्रेड इसमें ऐड करके और इसका जो छिलका होता है वो भी आपने फेंकना नहीं है, वो भी इसमें मैश कर देना है। छिलका भी जो है कैल्शियम का काम करता है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको मिक्स करके अपने बजीज को देना है। और ये आप कोशिश करें कि 8 दिन में या 10 दिन में एक बार ज़रूर यूज़ करवाएं, क्योंकि ये बॉयल एग इनको सर्दी से भी बचाएगा, क्योंकि सर्दियां बहुत आ गई हैं। सो इनको सर्दी से बचाने के लिए आपको जो है एग फूड देना होगा, आपने इनको एग फूड देना होगा। सो ये मैं इसके छिलके उतार के इसमें जो है मैश करके आपको दिखाता हूँ। इसको ये जो इसके छिलके हैं वो आपने उतार देने हैं, ये आप देख सकते हैं इसके छिलके उतार के आपके पास जितने बजीज हैं उस हिसाब से इनको एग फूड देना है। सोए में आपको जो है इसके छिलके उतार के फिर दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इसके छिलके उतार दिए, ये आप देख सकते हैं, और जो है इन छिलकों को आपने बहुत ही छोटा कर देना है। अगर आप चाहें तो आपके पास कोई जो है ग्राइंडर है तो उसमें ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल हाथ से ही मैश कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड के भी जो है छोटे छोटे पीसेस कर दिए,
और ये मैंने अंडा लिया है, हाफ अंडा लिया है, हाफ मैंने खुद खा लिया। आपने अब आपने इसको क्या करना है, इसमें मिक्स कर देना है अंडा, ऐसे किसी चम्मच से भी आप मिक्स कर सकते हैं, अपने हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। सो ये मिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें एग शामिल कर दिया है और जो है ब्रेड के भी छोटे छोटे पीसेस करके इसमें मिक्स कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो अंडे अंडों के जो है छिलके थे वो भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। सो मिक्स करने के बाद आपका एक फूड ऐसा बन जाएगा, फिर आपने अपने बजीज को सर्व करना है। ठीक है, मैं सर्व करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एग फूड रख दिया, अब ये आएंगे कुछ ही देर में इसको खाना शुरू कर देंगे। तो आपको भी चाहिए कि आप इन्हें एग फूड ज़रूर यूज़ करवाएं, कम से कम 8वें दिन या 10वें दिन तो लाजमी यूज़ करवाएं, इससे इनको बहुत जो है फ़ायदा पहुंचेगा, इसके इनकी जो है बोन्स वगैरह स्ट्रांग होगी और इनके अंडों का शेल भी जो है मज़बूत होगा और इनकी अंडों की जो है क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। ये आप देख सकते हैं एक बजी आ गया है इसको खाने के लिए, माशाल्लाह से एक एक करके अब बजी सारे उतर आएंगे और इसको खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये एक बेस्ट गिज़ा है इनके लिए। ये एग फूड इनको सर्दी से भी बचाएगा और इनको प्रोटीन भी देगा, कैल्शियम देगा। सो आप भी इन्हें अपने बजीज को ज़रूर यूज़ करवाएं एग फूड। सो ये था मेरा आज का टॉपिक, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सो दुआ में याद फी अमान।